नमस्कार, आज जो हम आपको जानकारी देने वाले हैं वह बाइबल और महाभारत के अलावा अन्य स्रोतों पर भी आधारित है। जिस तरह भगवान ब्रह्मा और प्रॉफिट अब्राहम, राजा मनु और प्रॉफिट नूह की कहानी में असाधारण रूप से समानता है, उसी तरह मूसा और भगवान कृष्ण के जीवन में भी समानता है। समानताओं के आधार पर ही निश्चित ही यह कहा जा सकता है कि प्राचीन काल में सभी धर्मों के रीति रिवाज और नियम एक ही थे और संभवतः उक्त धर्मों की स्थापना किसी एक ही जाति समूह के लोगों ने की होगी। आइए जानते हैं इसी तरह की समानता को लेकर एक बेहद चौंकाने वाली जानकारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं द साइंटिफिक हिंदू और मैं हूँ आपके साथ आपका दोस्त धीरेन्द्र। कहते हैं कि महाभारत युद्ध की समाप्ति के बाद गांधारी के श्राप के चलते जब यदुवंशियों के बीच द्वारिका के प्रभास क्षेत्र में मौसूल युद्ध हुआ तो उस समय कई यदुवंशी द्वारिका छोड़कर समुद्र के रास्ते पश्चिम की ओर भाग गए थे। भागकर वे सीरिया, अरब, इजिप्ट होते हुए फिलिस्तीन, इजराइल पहुंच गए थे। तभी से वहीं पर कुछ यदुवंशी रह रहे थे। उन्हीं यदुवंशियों ने इजराइल में एक नए साम्राज्य की स्थापना की। इधर यदुवंशियों के कुछ समूह को अर्जुन बचाकर हस्तिनापुर ले जा रहे थे, लेकिन रास्ते में दस्युओं के हमले से कई यदुवंशी मारे गए। बच गए थे तो श्री कृष्ण की पत्नियां, उनका एक प्रपोत्र जिसका नाम व्रजनाभ था। व्रजनाभ से ही व्रजमंडल प्रसिद्ध हुआ। जनश्रुति के अनुसार इधर इजराइल में बसे हुए यदुवंशियों ने एक नए धर्म की स्थापना की जिसमें आगे चलकर ही अब्राहम हुए। शोधकर्ताओं ने इसके बाद के यहूदी प्रॉफिट मूसा और श्री कृष्ण की समानता पर शोध करके यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि यहूदी और हिंदू धर्म में कितनी समानता है, या कि यादवों के कारण ही यहूदी धर्म को यहूदी कहा जाता है। हालांकि इस पर और भी शोध किए जाने की आवश्यकता है। कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण और मूसा और उनके भाई बलराम और हारून में बहुत हद तक समानता है, फिर भी दोनों अलग अलग सभ्यताओं को जन्म देने वाले प्रॉफिट हैं। आइए जानते हैं कि आखिर इनके बीच किस तरीके की समानताएं हैं। भगवान श्री कृष्ण के जन्म के पहले अत्याचारी कंस के लिए आकाशवाणी हुई थी कि देवकी की 8वीं संतान तेरा वध करेगी। उसी तरह मूसा के जन्म से पहले मिस्र के राजा फराओ के लिए भविष्यवाणी की गई थी कि तेरा अंत राज्य में जन्मे एक व्यक्ति के हाथों होगा जो जन्म ले चुका है। दूसरी समानता है कि आकाशवाणी सुनने के बाद कंस ने 8वीं संतान के उत्पन्न होकर गायब होने के बाद राज्य के सभी बच्चों को मारने का हुक्म दिया था। ठीक उसी तरह मिस्र के राजा ने भी राज्य के सभी बच्चों को मारने का हुक्म दे दिया था जो कि 1 वर्ष से कम उम्र के थे। तीसरी समानता है कि हुक्म के पहले ही जिस तरह भगवान श्री कृष्ण को उनके पिता ने एक सूपड़े में रखकर नदी के पार नंद के यहाँ छोड़ दिया था, उसी तरह मूसा की माता ने मूसा को एक टोकरी में नदी में छोड़ दिया था। कुछ समय बाद मिस्र की रानी ने जब उस टोकरी को देखा तो उन्होंने उसमें से उस बच्चे को लेकर उसका पालन पोषण किया। इस तरह श्री कृष्ण और प्रॉफिट मूसा को दूसरी माँ ने पाला। चौथी समानता है कि जिस तरह श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम थे लेकिन प्रमुखता श्री कृष्ण की थी, उसी तरह प्रॉफिट मूसा के बड़े भाई हारून थे लेकिन प्रसिद्धि प्रॉफिट मूसा को ही मिली। पांचवी समानता है, भगवान श्री कृष्ण के मुख से गीता की वाणी प्रकट हुई तो प्रॉफिट मूसा के मुख से यहूदी धर्म के 10 नियम निकले जिन पर यहूदी धर्म कायम। छठी समानता है, भगवान श्री कृष्ण जिस तरह अपने लोगों के साथ मथुरा से निकलकर अपने पूर्वजों की भूमि द्वारिका चले गए थे, उसी तरह जब मूसा को पता चला कि मेरे पूर्वजों की भूमि तो यरूशलम है तो वे भी अपने हिब्रू कबीले के लोगों को लेकर मिस्र से निकल गए थे। यह दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक पलायन था। सातवीं समानता है, श्री कृष्ण के आखिरी दिनों में यदुवंशियों ने उनकी अवहेलना शुरू कर दी थी। कोई भी यदुवंशी उनकी बात नहीं मानता था और इसी कारण उनमें आपस में युद्ध हुआ और सभी मारे गए। इसी तरह मूसा की कहानी में भी यह पढ़ने को मिलता है कि इजराइल के लोगों ने बाद में मूसा के आदेश को मानने से इनकार कर दिया था जिसके कारण उनके कबीले में बिखराव हो गया था। आठवीं समानता है, ऐसा कहते हैं कि प्रॉफिट मूसा जिस यहूदी जाति से हैं, उस यहूदी जाति का नाम यदु शब्द से निकला है। द्वारिका के जलमग्न होने और मूसा का कालखंड भी लगभग एक जैसा ही है। अरब के करीब बसे सीरिया का प्राचीन नाम शाम है जो कृष्ण के श्याम नाम का अपभ्रंश है। प्रॉफिट मूसा से लेकर हजरत सुलेमान तक प्राचीन समय में ही यहूदियों का भारत से गहरा संबंध रहा है, इस बात के कई प्रमाण हैं। हालांकि क्या यादवों की एक शाखा से ही यहूदी धर्म की उत्पत्ति हुई है या शोध का विषय हो सकता है, लेकिन इन समानताओं से पता चलता है कि यहूदी भी हिंदू धर्म का ही हिस्सा थे कभी। वैसे आपका इस पर क्या विचार है कमेंट करके बताएं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।